स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इसी सेकंड चैप्टर का है, रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। वेरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे जिप्सम का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि 2 मार्क्स का होगा इसलिए मैंने भी इसके 2 पॉइंट्स लिखे हैं। आपने 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं, सफिशियंट होते हैं। लाइम इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसका ना लाइम का लीव्स की ग्रोथ में मेन रोल है। नेक्स्ट है रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री, वो एग्रीकल्चर था ये इंडस्ट्री। लाइम इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्री में, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, मेन कंपोनेंट्स है। लाइम इज़ यूज इन लेदर इंडस्ट्री में। अच्छा, नेक्स्ट है डिफाइन सोडा लाइम। ये जस्ट, ये भी ऐसे मैथमेटिकली आपके 2 के 2 मार्क्स होंगे, 2 लाइन्स अगर आप लिखेंगी। मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सोडा लाइम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर सेकेंड का, डिफाइन लाइम मोर्टार। वैन जब हम लाइम को ना इसमें मिक्स करते हैं वाटर के साथ, सिलेक्ट लाइम वन वॉल्यूम, वन पार्ट इसका हो, और इसमें 3 पार्ट किसके हों, सेंड के हों, और मिक्स्ड विद वाटर एक थिक पेस्ट बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम मोर्टार। दिस लाइम मोर्टार जो होता है ये उसमें यूज़ होता है बिल्डिंग्स को बनाने में, जब यानी कि ब्रिक्स को स्टोन्स के दरमियान रखते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाते हैं। वैन मोर्टार हार्डन्स, जहर हार्ड होता है तब प्रोसेस कम्प्लीट होता है, तो ये वाला प्रोसेस होता है। थैंक यू डेयर स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और मैं आपको इसकी हार्ड कॉपी एज यूजुअल अभी सेंड कर रही हूँ, वो आप पास रख लीजिएगा और देखिएगा। थैंक यू।